क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। अभी क्या अगला क्या है? कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन क्या है? कन्वेक्स पॉलीगॉन जैसा था वैसा ही कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन था। कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन पॉलीगॉन का मैं आपको उस समय क्या किया था, आपको डिफाइन किया था, डिफाइन करके बताया था कि कोई भी, ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन है, ठीक है, यदि उसको मिलाने वाला कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये और दो पॉइंट, वो यदि बिल्कुल अंदर में है तो कन्वेक्स है, और बाहर निकल गया तो क्या हो गया, जैसे ये है, ठीक है, ये भी पॉलीगॉन है, और इससे ये पॉइंट इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये क्या होगा, इस रीजन के बाहर आ जाएगा, तो ये कन्वेक्स नहीं हुआ, ठीक है, ये कन्वेक्स हुआ, ये कॉनकेव हो गया। आइए समझ में, उस समय भी मैं आपको समझाया था, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिफरेंट पॉइंट इन कोई भी दो पॉइंट को जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो वो इन द इंटीरियर ऑफ पॉलीहेड्रॉन के इंटीरियर में होना चाहिए, लाइज होली इन द इंटीरियर ऑफ एट, ठीक है, वो पूरी तरह से क्लियर। देखिए ये है, ये हाँ ये है, ये है, इसमें ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यदि हम मिलाते हैं तो क्या होता है, इस रीजन के अंदर जाता है क्या, ये रीजन के बाहर आ जाएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो कहाँ जाएगा, रीजन के, इस रीजन के जो ये स्टार बना हुआ है इसके बाहर चला जाएगा, तो ये कन्वेक्स नहीं है, ठीक है, ये कन्वेक्स है। इसमें कोई भी दो पॉइंट आप मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो मिला हुआ ही, यहाँ से मिलाएंगे तो अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस रीजन के पास ही रहेगा, इस रीजन पे ही रहेगा, यहाँ से मिलाएंगे तो रीजन पे ही रहेगा, रीजन से बाहर नहीं जाएगा। तो यही बोल रहा है कि कन्वेक्स पॉलीगॉन पॉलीहेड्रॉन क्या है, लाइन सेगमेंट, उस यदि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिफरेंट पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इन द इंटीरियर ऑफ पॉलीहेड्रॉन लाइज होली इन द इंटीरियर ऑफ एट, इसके बिल्कुल इंटीरियर में होना चाहिए। आ गया समझ में?